नमस्कार दोस्त लोग, आज हम लोग लिथियम आयन बैटरीज का असेंबली के बारे में, इसका स्टेप्स के बारे में थोड़ा देखेगा। ये टॉपिक एंटर करने के पहले चार क्वेश्चन हमारे साथ हम लोग पूछ सकते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी मतलब क्या है, वो दिखने के लिए कैसे दिखाएगा, ये किधर यूज हो जाएगा, अगर इसको असेंबल करने का तो क्या क्या स्टेप्स है, इसके बारे में हम लोग देखेगा। सो लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरी है ना, अगर उसको कैथोड मटेरियल हम लोग देखेंगे तो लिथियम आयन फॉस्फेट, ठीक है। ग्राफाइन कार्बन इलेक्ट्रोड इसका एज अ मेटेलिक बैकिंग एंड एनोड यूज़ करेगा। अगर हम लोग लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का एंड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी का फीचर्स के बारे में हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका एनर्जी डेंसिटी एकदम कम है। सो इसका मेन ड्रॉबैक है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के साथ कार्बन कॉम्पोजिट को यूज़ करके हम लोग ऐसे कैथोड यूज़ करके इसको बना रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इसका एडवांटेजेस क्या, मतलब ये कॉस्ट लो है, टॉक्सिसिटी कम है, इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ओके। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सो ये देखने के लिए कैसे दिखे, ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखा सकते हैं और रेक्टेंगल में प्रिस्मेटिक टाइप में ऐसा देख सकते हैं, और नहीं तो पाउच टाइप है। ये हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ये किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमको इधर अनलिमिटेड पावर सप्लाई यूपीएस में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेडिकल इंडस्ट्री में, पावर टूल्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, स्मार्टफोन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल कार्स में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड फायर अलार्म सिस्टम में नॉर्मली बैटरी बैकअप सिस्टम जरूरत पड़ेगा, एंड लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम भी जरूरत पड़ेगा, उसी जगह में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको हमको कैटेगराइज करने का, तो अगर एक है तो वो सेल है, अगर चार सेल को हम एक साथ करेंगे तो वो मॉड्यूल बनाएगा, और चार मॉड्यूल को एक साथ करेंगे तो वो पैक हो जाएगा, ऐसा ही इसका स्टेजेस है। सो इसमें क्या क्या टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल्स है, सेल होल्डर्स है, निकल स्ट्रिप्स है, बीएमएस है, केबल्स है, पीवीसी हीट श्रिंक्स है, फाइबर के ग्लास टेप्स है, डबल साइडेड टेप्स है, XT60 कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, स्पॉट वेल्डर, स्पॉट वेल्डिंग पिन, सोल्डरिंग आयन, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, हॉट एयर ब्लोअर, मल्टीमीटर, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये असेंबली प्रोसेस को हम लोग चार स्टेजेस बना सकते हैं, फर्स्ट स्टेज सेल सॉर्टिंग है, सेकेंड स्टेज मॉड्यूल असेंबली है, थर्ड स्टेज पैक असेंबली, फाइनल टेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सेल सॉर्टिंग में क्या करेगा, हमको इसको पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करके सिमिलर परफॉर्मेंस में है, इसको ऑपरेटिंग सिग्नल्स बराबर है बोल के इसको सॉर्ट आउट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा पैरामीटर, VCA मेथड में हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं, दैट इज वोल्टेज, कैपेसिटी एंड AC इंटरनल इंपीडेंस। सो अगर टेस्ट करने के लिए छोटा है तो ये ऐसा मशीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं बड़ा है तो प्रिस्मेटिक टाइप के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं सिलिंड्रिकल सेल्स के लिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉड्यूल असेंबल करने का टाइम है ना, हमको फर्स्ट ड्राइंग बनना पड़ेगा, हमको सीरीज में कैसे इसको कनेक्ट करने का, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करने का बोल के ड्राइंग बना के उसके हिसाब से हमको उसको असेंबली करना पड़ेगा। असेंबली के लिए सेपरेट मशीन्स भी है, और नहीं हो तो अकेले भी हम लोग असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैग्स को असेंबल करने के बाद, ओके, इसको कॉन्फिगरेशन बराबर है बोल के, मतलब इसका वोल्टेज एंड कैपेसिटी बराबर है बोल के चेक करने के बाद हमको इसको BMS के साथ, दैट इज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसके फाइनली हमको इसको पैक करके ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो रहे नहीं हो रही, इसका वोल्टेज पैरामीटर कैसे है, इंपीडेंस कैसे है बोल के हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में वायर हाउसेस में 25 डिग्री सेल्सियस में इसको सेफली हमको स्टोर करना पड़ेगा। एंड ये बैटरी का पूरी हाई वोल्टेज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, टूटने का भी जो है, फायर एक्सीडेंट्स होने का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसको अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक हज़ार्ड्स हमको बनाना पड़ेगा, एंड अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स करके इसको स्टोर करके हैंडल करके हमको शिपमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करके चेक करने के लिए सेपरेट कैबिन्स भी ऐसा है अवेलेबल है मार्केट में। अगर इसको डिटेल्ड में हमको ये असेंबली को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिंड्रिकल सेल्स को देखेगा तो एक फ्लो चार्ट है, सेल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट करने के बाद होल्डर्स में कैसे लगेगा, होल्डर्स में लगाने के बाद इसको निकल स्ट्रिप्स में कैसे वेल्ड कर सकते हैं, उसके बाद हमको BMS में टेस्ट करके BMS में कैसे कनेक्ट करेगा, BMS के साथ कनेक्ट करके टेस्ट करने के बाद सबसे लास्ट में इसको कैसे पैक कर सकते हैं बोल के, ये सब कुछ ये फ्लो चार्ट में है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेप्स को डिटेल में देखेगा तो फर्स्ट स्टेप है सेल टेस्टिंग है, टेस्टिंग में वोल्टेज, इसका कैपेसिटी, साइकिलिंग लाइफ पूरा देखेगा। सेकेंड BMS टेस्टिंग है, उसमें बैटरी प्रोटेक्शन सर्क्यूट है ना, उसका फंक्शनल पैरामीटर्स का अंदर वो बराबर काम कर रहे हैं नहीं, ये वो देख सकते हैं। तीसरा है हम लोग
पॉजिटिव सेल्स लिया गया तो उसके ऊपर हम लोग एक इंसुलेटिंग पेपर लगाना पड़ेगा। एक इस चीज़ के लिए लगा रहा है, शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करने के लिए लगा रहा है। सबसे लास्ट में हमको बैटरी को शॉर्ट करना पड़ेगा। कौन से बेसिस में हमको शॉर्ट करेगा, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको शॉर्ट करेगा, क्यों हमको इसको शॉर्ट करने का, एक ही चीज़ है। ये कंसिस्टेंटली ये इंटर छोटा छोटा सेल्स को हम लोग लगा के मॉड्यूल बनाया, ये मॉड्यूल को हम लोग पैक करवा रहे हैं। सो ये इंटर सेल्स है ना, बराबर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा एंड इसका स्टेबिलिटी लाइफ लॉन्ग में आना पड़ेगा। वो उसको वो अश्योरेंस एंड क्वालिटी देने के लिए हम लोग ये शॉर्टिंग टेस्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट ये बैकर के लगाने के बाद निकल स्ट्रिप्स लगा के हमको वेल्ड करना पड़ेगा। वेल्ड करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा, सीसीडी टेस्टिंग। सीसीडी टेस्टिंग में क्या करेगा, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, ये क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करने के लिए ये चेकिंग हमको जरूर करना पड़ेगा। एक देख लीजिए, एक छोटा वीडियो है बोल्स के अंदर कैसे बना रहा है, हम लोग लगा रहे हैं बोल के एक वीडियो है। इसे बराबर लगाने के बाद सबसे लास्ट में इसको हम लोग पैक करवा रहे हैं। सो ये पूरा बराबर लगाने के बाद हमको वेल्ड करने का, वेल्ड करने के बहुत सारा मेथड से स्पॉट वेल्डिंग है, लेजर वेल्डिंग है, बोल्ट वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है। अगर सिल्ड के लिए है तो स्पॉट वेल्डिंग लेजर वेल्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पाउंड सेल सेल तो हम लोग लेजर वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कर सकते हैं। प्रिस्मेटिक वेल्डिंग है तो लेजर वेल्डिंग एंड बोल्ट वेल्डिंग कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स है। ये देख लीजिए एक निकल स्ट्रिप्स को हम लोग कैसे कट करके शॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारे साइज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा रोल्स ही अवेलेबल है। अभी हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करवा रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग का वायर्स इस साइड कनेक्टेड है, इसी स्ट्रिप्स को बराबर इसमें लगा के हमको स्पॉट वेल्डिंग करना पड़ेगा। देख लिए, मेजरमेंट लिया, उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट को हम लोग वेल्ड करवा रहे हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग सॉल्टिंग नहीं करने का निकल बैटरी एंड स्ट्रिप को, लिथियम बैटरी एंड स्ट्रिप को कभी भी हमको सोल्डर नहीं करने का, हमको स्पॉट वेल्डिंग ही करना पड़ेगा। वो भी सेफ मेथड में हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में हमको वेल्डिंग के बाद ये प्रोविजन साइज से दे के हमको इंसुलेटिंग पेपर लगाना पड़ेगा। एक इस चीज़ के लिए लगा रहा है, वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। एंड सबसे लास्ट में ये पूरा का टेस्ट करने के बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का साथ बैटरी पैक को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एम्प्स रेटिंग के हिसाब से हमको हम लोग यूज़ कर चूज़ करेगा, उसके हिसाब से हमको इसको परचेस करना पड़ेगा। ये देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। सो डबल साइड टेप लगा के इसका साइड में इसको छिपा रहे हैं। देख लीजिए वायर को हम लोग कैसे लगा रहे हैं बोल के देख लीजिए। मेजरमेंट ले रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में की स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं, उसके बाद इसको बराबर कट करवा रहे हैं एंड उसके बाद ये निकल स्ट्रिप में इसको वेल्ड करवा रहे हैं। देख लिया, पॉजिटिव केबल्स का भी सेम मेथड में मेजरमेंट ले रहे हैं, हाथ में कट करके हम लोग सॉल्डरिंग करवा रहे हैं। की स्ट्रिंग्स भी बहुत ज़रूरत हमको यूज़ करना पड़ेगा। देख लिए बैटरी मैनेजमेंट के साथ हम लोग सॉल्डर बराबर करना पड़ेगा। बाद में इंसुलेटिंग पेपर छिपाना पड़ेगा इसका ऊपर। सबसे लास्ट में उसको हमको बराबर पैक करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में पीवीसी, ब्लू कलर पीवीसी स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। इसको बराबर लगा के हमको सबसे लास्ट में इसको हीट गन से गर्म हवा दिएगा तो यह अच्छा चिप हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये बराबर हम लोग फिट करने दिएगा तो सबसे लास्ट में हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। वो बैटरी पैक को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, चार्ज करके डिस्चार्ज करके उसका वोल्टेज एंड करंट बराबर है, चार्जिंग होने के टाइम डिस्चार्ज होने के टाइम बराबर है देखने का, एंड उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में उसका बैटरी एजिंग टेस्ट हमको करना पड़ेगा। इसको चार्ज करके ज़्यादा टाइम है ना, चार्ज करके डिस्चार्ज करके वो पूरा वैल्यू को हमको रिकॉर्ड करके रखेगा। सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन का साथ इसको बराबर इसका अंदर पैक करेगा।
अगर हम लोग एक प्लांट बना रहे हैं तो लिथियम आयन पैकेजिंग असेंबली कैसे हो जाएगा, उसका प्लांट का लेआउट है एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्या क्या चीज़ होना पड़ेगा बोल के। अगर हम लोग इंडिया में इस ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके हम लोग बना रहे हैं तो हमको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन होना पड़ेगा, एंड अगर नहीं है तो हम लोग कौन इंपोर्ट कर रहा है उससे लेके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट कोई भी है हम लोग बराबर इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हमको बनाना पड़ेगा। अगर इसका समरी के बारे में आप देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कितना आम्स हमको बनाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से सेल को चूज़ करना पड़ेगा। फिर बाद में चूज़ करके उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करके फोल्डर्स के अंदर लगा के फिर स्ट्रिपर्स लगा के हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। वेल्डिंग के बाद बीएमएस इक्विपमेंट को लगा के हमको बराबर टर्मिनल्स में उसको सॉल्डिंग करना पड़ेगा। सॉल्डिंग करने के बाद हमको इंसुलेटिंग इक्विपमेंट्स का साथ इसके अंदर पैक करके सबसे लास्ट में फाइनल आउटपुट लेना पड़ेगा। धन्यवाद है, इसके बारे में आपको सीखने का लर्न करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। आपको सोलर में प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए दिएगा। इसके अलावा बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी कुछ जरूरत है तो लर्निंग सीखने का तो प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।